देखिए, तकरीबन 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इन सब के बीच क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, किस तरीके से पुलिस की जांच आगे बढ़ सकती है, सब बताने के लिए हमारे साथ लखीमपुर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, संजय त्रिपाठी। संजय, कल लगातार सुबह से आप वहीं पर मौजूद थे, 12 घंटे के बाद करीब करीब गिरफ्तारी हुई आशीष मिश्रा की, आज क्या कुछ होगा, किस तरीके से पूरी जांच की बात आगे बढ़ेगी? और एक चीज और समझाइएगा, पुलिस ने हिरासत मांगी थी, पहले खबर आई कि 2 दिन की न्यायिक हिरासत में दिया गया है, फिर अब 14 दिन की बात भी सामने आ रही, रिमांड को लेकर क्या कुछ होगा? देखिए, सबसे पहले आपके दूसरे सवाल का मैं जवाब देता हूँ। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेजा गया है, ये बात हमें एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने कंफर्म की है। और चूंकि आज रविवार का दिन है, कोर्ट नहीं खुलता है, ऐसे में सोमवार को पुलिस कस्टडी रिमांड पर के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी और उस पर सुनवाई होगी। बाकी क्या फैसला होता है वो तो सोमवार को ही पता लगेगा। लेकिन पुलिस लगातार इस पूरे हत्याकांड में आशीष को कैसे इन्वॉल्वमेंट था वो सारी कड़ियाँ जोड़ेगी पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान, जिसको सोमवार को फाइल किया जाना है। दूसरी बात, एक सवाल जिसका जवाब लगातार तलाशने की कोशिश हो रही है कि घटना के वक्त, जो लगभग 3:30 बजे के आसपास का है, उस वक्त आशीष कहाँ था? आशीष तर्क देता रहा कि मैं दंगल के कार्यक्रम में था, लेकिन वो किसी भी ऐसा एविडेंस नहीं दे पाया जिससे ये एस्टेब्लिश हो जाए कि वो दंगल के ही कार्यक्रम में था। और यही सबसे बड़ा संदेह का बिंदु था, क्योंकि पुलिस को जो जानकारी मिल रही है, पुलिस को जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, वो यही मिल रहे हैं कि वो दंगल के कार्यक्रम में घटना से पहले तक तो मौजूद था, लेकिन घटना के वक्त वहां पर नहीं था। कई सारे सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं, पुलिस अभी बहुत खुलासा नहीं कर रही क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। ऐसे में लगातार इसी बात को लेकर के प्रयास होंगे कि किस तरह से जो उसके इन्वॉल्वमेंट है उसको एस्टेब्लिश किया जाए, उसके लिए सबूत जुटाए जाएं। तो ये सारी कार्रवाई अभी भी होगी और रात में भी चलती रही लगातार। पुलिस, क्योंकि दबाव था गिरफ्तारी का बहुत ज्यादा और ऐसे में आवश्यक साक्ष्य की जरूरत थी, तो पुलिस ने जब साक्ष्य जुटाए और उसके बाद लंबी पूछताछ की, क्रॉस वेरिफिकेशन किया, कई चीज़ों को लेकर के क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, उसके बाद में आशीष को गिरफ्तार किया गया। और ठीक पीछे जो कारागार आप मेरे देख रहे हैं, यहाँ पर आशीष को रखा गया है। कल देर रात 1 बजे के आसपास उसको मजिस्ट्रेट के पेश कराने के बाद इसी कारागार में रखा गया था। और पहली रात बहुत मुश्किल से कटी है, क्योंकि ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाला आशीष जेल की पहली रात बड़ी मुश्किल से काट पाया है। बड़ी शिकायतें सुबह सुबह उसने की कि उसे मच्छर काट रहे हैं, उसे तकलीफ हो रही सोने में, इस तरह की कई सारी शिकायतें भी उसने की है। लेकिन अभी फिलहाल आज की रात भी उसको इसी जेल में काटनी होगी शिकायत। आशीष मिश्रा पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। उन पर 302 यानी हत्या करना, 120B यानी आपराधिक साजिश रचना, 304A लापरवाही से हत्या, 147, 148, 149 दंगों से संबंधित, 279 लापरवाही से गाड़ी चलाना, 338 किसी को जख्मी करना जिससे जान का खतरा हो। उधर किसान यूनियन आशीष मिश्रा के बाद अब उनके पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है। उनका कहना है कि गृह राज्य मंत्री होते हुए इस मामले में इंसाफ की उम्मीद नहीं है। 12 तारीख को हमने बताया कि 12 तारीख को मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद 15 तारीख को, 15 तारीख का पुतला जैन है, इनके पिताजी का मामला है, वो भी उनको सस्पेंड नहीं करते, गिरफ्तारी नहीं होती। 18 तारीख को 6 घंटे ट्रेन का है और 26 तारीख की यहाँ मीटिंग है। कलश जाएंगे वहाँ से, सब जिलों में सब जगह कलश जाएंगे। वहीं जब राकेश टिकैत से ये पूछा गया कि किसानों की तरफ से भी हिंसा की गई, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट पीट कर मार डाला गया, क्या वो गलत नहीं था, इस पर राकेश टिकैत का क्या जवाब था सुनिए। एक्शन का रिएक्शन है, वो कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे दोषी किसको कहते हैं? यहाँ गाड़ी टकराती है, तुरंत दोनों उतर के और लड़ने लगते हैं सड़क के ऊपर, वो क्या है? वो रिएक्शन है, वो हत्या में नहीं आता, रिएक्शन है। आपको पढ़ दो पूरा, नहीं मानते दोषी। अगर आपकी मानसिकता ये है कि एक आंख के बदले में दूसरी आंख जैसे को तैसा, तो ये भारत में जो लोकतंत्र है उसके साथ नहीं चल सकता। लखीमपुर खीरी कांड के बाद अब किसान अपने आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के मूड में हैं। 12 अक्टूबर को जहां उनकी आगे की रणनीति तय होगी, वहीं 15 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन उनका सांकेतिक विरोध दर्ज कराने का भी कार्यक्रम है। साथ ही 18 अक्टूबर को रेल रोको कार्यक्रम भी देश भर में किसानों के द्वारा किया जाएगा।
संवाददाता जैनेन्द्र के साथ संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। देखिए आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी भले ही हो गई हो लेकिन लगातार हमले जारी हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, मंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। लखीमपुर खीरी हिंसाकांड के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। सर, आप लोगों की यही मांग थी कि केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक आप लोग आगे इस मामले को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं करेंगे। अब आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है तो अब आने वाले दिनों में आपका क्या रुख रहेगा? और उनका पिताजी जो गृह राज्य मंत्री है, किसी की हिम्मत है कि उससे पूछताछ कर कर उस पर केस लगा देगा? बताओ, किसी की हिम्मत हो? नहीं, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से पहले उनके खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा वो मामला दर्ज हो गया, अब गिरफ्तारी भी हो गई होगी, उनके पिताजी का इस्तीफा हो जाए, वो भी 120 बी का मुलजिम है, गिरफ्तार हो जाए, उन पर केस चले, तो ये तो मूवमेंट है भाई, ये चलता रहेगा जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा, ये आंदोलन जारी रहेगा हमारा। लेकिन सर, कल आपने एक और बयान दिया था कि जो कार्यकर्ता या जो और लोग मारे गए हैं उनको मारने वाले दोषी नहीं है, तो ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये गलत बात है? ना तो हम थे वहां पे, हमने तो जीप से मरते हुए आदमी देखे वहां पे, फिर बताते हैं कि कोई घटना वहां पे हुई। सर, वो वीडियो भी आया लेकिन उसके बाद लाठी डंडों से मारते हुए वो वाले वीडियो भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि दोनों ही की तरफ से गलती है? जीप से कुचलना भी गलत है तो डंडों से पीट पीट के मारना भी गलत है। कह रहा कि मौत तो कोई भी है, डंडा मारना भी किसी का गलत है, सारी चीजें गलत है, वे घटना क्यों हो रही है इस तरह की? ABP News आपको रखे आगे।